जांजगीर चांपा जिला के हसाओ थाना अंतर्गत ग्राम कैथा के घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सकाराम कश्यप ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसके ही गांव के अपने भाई धजराम कश्यप और रोहन कश्यप ने घर में घुस करके डंडे से मारपीट करते हुए गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दिया था, जिसकी रिपोर्ट हसाओ थाने में दर्ज कराया गया था। घटना के बाद आरोपी फरार थे। आरोपियों को गिरफ्तार करने पुलिस ने मुखबिर लगाया था। मुखबिर से सूचना मिलते ही थाना प्रभारी योगेश पटेल, पुरेंद्र मल्होत्रा सहित कई पुलिस दल पहुंचे। आपको बता दें, घटना 2021 की है। पिछले कई महीनों से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। लंबे समय तक पुलिस के साथ लुका छिपी करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर 294, 506, 330, 452 और 34 के तहत अपराध दर्ज हुआ है। बुधवार को दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वहीं इस घटना के पीछे खेत में जाने वाले पानी को कारण बताया जा रहा है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।